Yeah, I like my handsome face. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Worldwide artist and worldwide handsome. Yeah, I make new nickname. Worldwide cutie guy. Yeah, I'm worldwide handsome. Hello. Yeah, I have six pack. Yeah, you know my skin is clean. Yeah, you want to touch?Mirror and watch my face. Yeah, my face handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Wow.Handsome. I'm worldwide handsome. I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Worldwide artist and worldwide handsome. Yeah, I make new nickname. Worldwide cutie guy. Yeah, I'm worldwide handsome. Hello. Yeah, I have six pack. Yeah, you know my skin is clean. Yeah, you want to touch?Mirror and watch my face. Yeah, my face handsome. My smile handsome. My face handsome. Hello, army. Welcome to back my channel. And how are you? I hope it's fine. So, army, ये different nature का part 18 है. So, I hope ये part आपको अच्छा लगेगा. लेकिन video start करने से पहले army, मैं आप सबसे एक request करना चाहती हूँ.प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई होप अब तक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए. सो आर्मी, अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ. चलो अच्छा है, तुम दोनों आ ही गए. वैसे भी तुम दोनों से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है. क्या बात करनी है दादी? लेकिन आपको हमसे क्या बात करनी है? अरे तुम दोनों अंदर आओगे या फिर मैं गेट ही पर सब कुछ बता दूँ? अरे नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा ठीक है, चलो अंदर. देन उसके बाद जी को भी घर के अंदर आ जाते हैं. वो सब लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाते हैं. वहाँ पर जिस्सू भी होती है और आयो भी होती है. दादी अब तो हम अंदर आ गए ना, अब बोलिए कि आपको क्या कहना है. जिस्सू, जो मैंने तुमसे कहा था ना वो लेकर आओ. ओके मॉम, अभी रुकिए मैं अभी लाती हूँ. इतना बोलकर जिस्सू वो एनवलप ले आती है और आकर आयु को दे देती है. ये लीजिए मॉम. ये लो चिमकू बेटा और चिमन बेटा, तुम दोनों. फिर आयु जीकू को वो एनवलप दे देती है. ये एनवलप कैसा है दादी? अगर मैं ही पढ़ के सुना दूंगी तो तुम दोनों के पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या है? इतने पढ़े लिखे हो दोनों, चलो इसे पढ़ के सुनाओ. ओके दादी, हम अभी पढ़ते हैं. देन उसके बाद जीकू वो एनवलप खोल कर देखते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. खुशी होगी जब तुम दोनों इसके लिए मना नहीं करोगे. और हाँ याद रखना, कल सुबह ही तुम दोनों को निकलना है. दादी इट्स वेरी फास्ट, प्लीज नहीं जाना मुझे. दादी मैंने अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन करना शुरू ही किया है, और अगर अभी से मैं छुट्टी लेने लगूंगा ना तो मैं पूरा बिजनेस कैसे संभालूंगा. नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अपने ऑफिस पर ध्यान देना है. और मुझे भी नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है पेरिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. मैं तुम दोनों से पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कल सुबह निकलना है तो निकलना है. अब जल्दी से जाओ और पैकिंग स्टार्ट करो वरना कुछ छूट जाएगा. और हाँ अब दोबारा तुम दोनों ने मना किया ना तो तुम दोनों से ही बात करना बंद कर दूंगी. एंड दोबारा मुझे दादी मत कहना. दादी आप ये क्या बोली हो, प्लीज ऐसा मत बोलो. अच्छा ठीक है हम जाएंगे, पर मुझे तो नहीं जाना ना. अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी. डोंट वरी दादी, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगा. चलो जिमिन. मैं बोलकर जंग जिमिन का हाथ पकड़ता है और रूम में ले आता है. तुमने वहाँ हाँ क्यों बोला? मुझे नहीं जाना था, और तुमको अगर जाना है तो जाओ, पर मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी दादी को गुस्सा मत दिलाया करो. मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें उनकी बात माननी होगी और हमें जाना ही होगा. अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊँ? पर क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना. इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहूँ. तो तुम्हें कौन कह रहा है कि हनीमून समझ कर जाओ? अच्छा ठीक है तुम हनीमून नहीं लेकिन एज अ ट्रिप तो जा ही सकती हो. बस घूमने जाना है और इंजॉय भी करेंगे. मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम अकेले ही चले जाओ. आई नो हम दोनों में प्यार नाम की चीज तो कुछ है नहीं, तो हम फ्रेंडशिप को तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना.
और वहाँ जाकर एंजॉय भी करेंगे। जैसे तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाते हो ना, वही समझ के मेरे साथ चली जाओ। क्या मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानूं? पर क्यों मानूं, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ही नहीं। हाँ नहीं हो, लेकिन बन तो सकता ही हो ना। तो चलो अब हम जाएंगे, प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हें कैसे फ्रेंड मान लूं जबकि तुमने मेरे साथ देखो मैं वो बात नहीं छेड़ रहा हूँ ना, तो प्लीज वो बात मत छेड़ो। वो बात मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ कि वो मैंने नहीं किया था, लेकिन तुम मेरी बात को यकीन नहीं करोगी। सो वो बात छेड़ो ही मत, क्योंकि उसी से लड़ाई होती है। जब मैं अपना ईगो साइड करके तुमसे फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ, तो तुम इतना क्यों भाव खा रही हो? अच्छा फ्रेंडशिप ऐसे करते हैं? आई नो तुम मेरे प्रोफेसर थे, पर थे अब हो नहीं, तो ये प्रोफेसर गिरी मुझ पर मत झाड़ा करो। ओके फाइन सॉरी, अब से तुम्हें नहीं डांटूंगा, लेकिन इतना तो बता दो ना कि हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। ओके फाइन, लेकिन बस जस्ट फ्रेंड, उसके आगे कुछ भी नहीं, ये सब कोर्स में याद रखूंगा। तो आज से हम फ्रेंड हैं, ओके? दुश्मनी दोस्त भी मैं बदलने लगी, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान। देखो मैं तुम्हारे तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात एक माननी होगी। क्या बात? लेकिन कौन सी बात? आज से और अभी से तुम मुझसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखोगे, और वहाँ पर भी। ओके फाइन, वैसे भी मैं तुम्हारे कहाँ पर जाता ही हूँ। हाँ मॉम, आपको लगता है कि आपका आइडिया काम आएगा? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा आइडिया काम आएगा। तुम नहीं जानती, शादी एक ऐसा रिश्ता है कि अगर प्यार ना भी हो ना तो भी हो जाता है। हाँ मॉम, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये दोनों नफरत ना करकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ओ हाँ, मैंने तो जंगल से कुछ मंगवाया था, शायद वो अपने रूम में ही भूल गया होगा। एक काम करती हूँ, उसके रूम में देख लेती हूँ। हाँ ये सब क्या है? जिस्सू तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। आयु की चिल्लाने की आवाज से जिस्सू वहाँ पर दौड़ कर आती है। क्या हुआ मॉम, आप चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? ये सब क्या है जिस्सू? जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो अलग अलग क्यों लेटते हैं? देखो एक बिस्तर यहाँ सोफे पर है, एक बेड पर है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों साथ में लेटते हैं। तुमने तो कहा था इन दोनों की लव मैरिज हुई थी ना, देखो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? अब वो नहीं मॉम, मैं कहाँ झूठ बोल रही थी, मैंने सच ही कहा था इन दोनों की लव मैरिज हुई है। मुझसे झूठ बोलने के बारे में तो सोचना भी मत, चुपचाप मुझे सच सच बता दो कि आखिर बात क्या है। ओके फाइन मॉम, बताती हूँ। वो एक्चुअली उसके बाद जिस्सू आयु को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। क्या इतना सब कुछ तो मुझे छिपा रही थी? कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे इसे सब सुधारना होगा। क्या? लेकिन आप क्या करेंगे मॉम? अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। आई होप मॉम कि आपका आइडिया काम कर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी जिस्सू, चाहे देख लेना ऐसा ही होगा। मेरा हो गया, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना होगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी, इतना मेहरबान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात तो मैंने मानी ली ना, अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। आई नो देव, तुम मुझसे नफरत करोगी क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा ब्लैकमेल किया है, बट डोंट वरी, शादी के बाद मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। इतना बोल करते वहाँ से चली जाती है। न जाने मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है, क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मानती भी नहीं। तुम नहीं जानती थे, जब से तुम कॉलेज में आई हो तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया तुमने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया, और जिसका सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसीलिए मैंने सब किया। आई एम सॉरी थे दादी। जिमिन रेडी हो गई, चाहे तो आप उससे ही पूछ लीजिए, वो जाएगी। अच्छा अच्छा जिमिन, तुम रेडी हो ना? हाँ दादी मैं रेडी हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर तुम मान गई, अब जाओ जल्दी से अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। जेको रेडी होगा, लिविंग रूम में आ चुके थे, उनका सारा लगेज नीचे ही था। अरे मैं तो मॉम को इन्फॉर्म करना भूल ही गई। जंगकुक एक काम करो, उन्हें कॉल करके बता दो कि हम पहले जा रहे हैं। उसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि जब तुम सो रही थी ना तो मैंने रात को ही कॉल करके उन्हें बता दिया। और तुम्हें पता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जाकर एंजॉय करना। चलो अच्छी बात है कि ये बात मॉम डैड को पता है कि हम पहले जा रहे हैं, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। अब तुम दोनों अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो पक्का फ्लाइट मिस हो जाएगी, अब जाओ भी। वो दादी आप तो हमें भगाना ही चाहती हो। हाँ भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहकर तो कुछ होने वाला है नहीं। दादी अब हम चलते हैं, बाय मॉम, बाय डैड, बाय दादी। हाँ बेटा जाओ, और तुम दोनों खूब एंजॉय करना, और तुम ऑफिस की चिंता मत करना, उसे मैं संभालूंगा, तुम एंजॉय करना। हाँ बेटा।
तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे, ऑफिस का काम संभालने के लिए वो है ना, तुम बेफिक्र होकर जाओ। थैंक यू सो मच मॉम डैड, अब हम चलते हैं। धनुष के बाद जी कुक सभी को बाय बोलते हैं और सभी जी को भी बाय बोलते हैं और जी को फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। क्या जिमिन कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली बात ये है कि रात को मैं ढंग से सो नहीं पाई थी और इतने टाइम मुझे बहुत जोर से नींद आ रही, मैं क्या करूँ, मैं तो प्लेन में हूँ, सो कैसे? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम सो जाओ ना, एक काम करो मेरे शोल्डर पर अपने सर रखकर सो जाओ। सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इससे? नहीं भला मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, हाँ थोड़ा सा पेन तो होगा पर कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद जिमिन जंगकुक के शोल्डर पर अपने सर रखकर सो जाती है। सर आपको कुछ चाहिए? चुप हो जाओ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ। ओके सर, जैसा आपकी मर्जी। क्या बोलकर एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। ओहो एक घंटा हो गया, मेरा तो शोल्डर पेन होने लगा, क्या बोलूँ, उठा दूँ क्या? लेकिन कितनी चैन से सो रही है, एकदम आराम से। एक काम करता हूँ, बस थोड़ी दूर है, इतना भी सह लेता हूँ। ये सब तो ठीक है लेकिन जागेगी तो सारा एहसान भूल जाएगी कि एक घंटे तक मैंने अपने शोल्डर पे इसे सुलाया है। जिमिन देखो हम पहुँच गए, अब उठ भी जाओ। क्या हम पहुँच गए? ओह गॉड मेरी नींद भी पूरी हो गई और हम पहुँच भी गए, चलो। हाँ चलो। क्या हो गया तुम्हें? वो एक्चुअली पिछले एक घंटे से तुम मेरे शोल्डर पे सो रही हो ना, इसलिए मेरा शोल्डर दुख रहा है। ओह गॉड तुम भी ना एक नंबर की डफर हो, अगर तुम्हारा शोल्डर पेन हो रहा था तो तुम मुझे जगा देते ना, तो तुम्हें ये पेन होता ही नहीं। पागल कहीं के, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? क्या अब मैं इसे क्या बोलूं कि मैंने इसे क्यों नहीं जगाया? मैं इसे थोड़ी ना कह सकता हूँ कि ये बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम चुप क्यों हो गए, बोलो ना तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? क्या बोलूं मैं, अगर मैं तुम्हें जगा देता तो तुम्हारी नींद पूरी कैसे हो पाती और तुम पीसफुली सो रही थी, इसीलिए मेरा मन नहीं हो तुम्हें उठाने का। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव।